डॉक्टर ने एमआरआई का बोला है दोस्तों, ये हॉस्पिटल यहाँ पे सर ने हमको संडे के दिन रिक्वेस्ट करके बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे ओटी चल रहा होगा, ऑपरेशन ओटी के बारे में दिखेंगे मिलेंगे हमसे, तो सेकंड ओपिनियन लेने जा रहे हैं। रेडियो के कहाँ जा रहा है? मैंने बोल नमस्ते कर दो। बीबी अच्छे से करो। नमस्ते मसे मुनोवी, आपका स्वागत है। बोलो बोलो, आपका स्वागत है। वेलकम। गीत आई थी भैया समोसे पोहा लेने। ये गीत आपने क्या क्या लिया? और समोसा और एक कचौड़ी ली। कचौड़ी भी ली आपने? दोस्तों एक कचौड़ी एक समोसा गीत ने पसंद किया है। गीत खाएगी बस, और कोई नहीं खाएगा। मम्मी डाइटिंग पे है, पापा तब परेशान है, गीत ही डिसीजन ले रही है बस, घर की बड़ी बेटी। हाँ हाँ इसे खाएंगे ना। चलो गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मॉर्निंग में रात में भी खाना बनाने का मन नहीं था, अभी मॉर्निंग में भी लेट उठे तो अभी नाश्ता वगैरह किया है। एंड संडे है, कोई अवेलेबल नहीं था, बट मैंने पता करा सर्जन वगैरह डॉक्टर और एक हैं अच्छे सर्जन, उनसे एक और बार हमें कंसल्ट करना है, तो मैं दूर है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊँ, बच्चों के साथ जाना वही बात है कि जब ऑपरेशन होगा तो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन एक बार मैं जाके बात करना चाहती हूँ कि देखा आप लोगों ने, मालो जी ने ऑलरेडी इतना लेट किया, क्या बात करेंगे, बार बार यही इंसिस्ट करेंगे दवाई से ठीक हो जाए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ मैं। और हमारी जो आंटी आती थी बर्तन धोने, आज छठा दिन है वो नहीं आई है, उन्होंने किसी और को कॉल किया तो उन्होंने एक को बता दिया कि उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो शी इज इन महाराष्ट्र। तो 10-15 दिन कैसे हमारे ऊपर भगवान ने। और मालो जी को ये दुख हो रहा है शादी में नहीं जा पा रहे, क्योंकि बहुत दिनों सालों बाद जाने का मौका था। और मैं कपड़े आने के बाद मैं खुश हो गई थी, मैं भी प्रिपेयर हो गई थी जाने के लिए कि इंजॉय करेंगे, बहुत टाइम बाद रील वील बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। और जस चलो ठीक है, वो तो मैटर नहीं है, मालवा जी की हेल्थ मैटर है, करती है, वो जल्दी ठीक हो जाए तो बिल्कुल आते हैं। और शायद आप लोगों को अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि मालवा जी को हुआ क्या है, तो आके एंड में बताते हैं रिपोर्ट्स के साथ। तो फाइनली वी आर गोइंग फॉर हॉस्पिटल, सेकंड ओपिनियन लेने जा रहे हैं। फाइल वगैरह सब बात नहीं करो ठीक है, जबरदस्ती आज संडे के दिन भी सर्जन सर्च करके जा रहे हैं क्योंकि इनने लापरवाही। चलो चलो, लापरवाही तो हो गई है, हम रचना मान नहीं दे, जिद कर ही चलना है क्योंकि रचना को डॉक्टर से बात करना है। तो चलो मैंने खाया, भोपाल जाने वाले थे शादी में, अब यही शादी हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों। लिफ्ट बुला ली, गीत ने लिफ्ट बुला लेती है दोस्तों, अब बड़ा हो गया लिफ्ट है ना बुला लेता है। मैं अपॉइंटमेंट ले रही हूँ जिनसे, वो तक कह रहे, दीदी तक कह रही थी मनोज को दर्द हो रहा होगा उठने बैठने में भी, तो हो रहा है क्या करें? हो रहा है तो क्यों इग्नोर कर। चलो यार अब रोज रोज फ्रेंड, मुझे बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर से कल भी एक ही बात, दवाई से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके कितना टाइम है इन्फेक्शन हुए। कल एक डॉक्टर की बातों से डर लगा तो सोचा दूसरे को दिखाया, दीदी ने कहा दूसरे सर्जन से कंसल्ट करो अच्छे, तो बड़े सर्जन से मिलने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उनकी क्लिनिक में बताते हैं हुआ क्या है। ओटी में जाना पड़ेगा मिलने, क्योंकि डॉक्टर ओटी पे अवेलेबल है। दोस्तों ये है हॉस्पिटल, यहाँ पे सर ने हमको संडे के दिन रिक्वेस्ट करने में बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे ओटी चल रहा होगा ऑपरेशन, तो ओटी के बाहर ही दिखेंगे मिलेंगे हमसे। कोई बात नहीं, घर जाके धो देंगे, रख दो अंदर के गीत, रोड पे भागना नहीं बेटा, मैं गेट खुला लग रहा हूँ। चलो गीत हाथ दो मम्मा को। कौन है? रीत और मीत ऐसे रहती थी कभी, ये दो प्लेसेंटा है, ये कॉर्ड है, हैं अलग अलग सेक हैं। हाँ हाँ, एक ब्रीच में और एक उसमें नचने वालों में। पापा दिखा क्या रहे हैं, रुकने। तो दोस्तों डॉक्टर को दिखा दिया है एंड डॉक्टर ने एमआरआई का बोला है, बीमारी क्या है शायद आपको भी क्लियर नहीं होगा, तो नाम हम यहाँ लिख देते हैं ठीक है, घर चल के बता देते हैं जो भी है। और अच्छा हुआ मैं आई, क्योंकि वहाँ बार बार वो पूछ रहे थे कि एमआरआई कराना कराना आपके ऊपर, आपको दर्द। अब एमआरआई की बात आती है, उठने बैठने तक में दर्द है, हर चीज में दर्द है, ये बंदा वहाँ भी कर रहा
तो दवाई खाने से ऑब्वियसली पेन किलर खाओगे तो दर्द कम होगा, दो दिन कम हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, दो महीने से यही चल रहा है। अगर मैं नहीं आती तो ये यही कह के चुपचाप घर आ। अब हमको सोचना है क्या 5-6 हज़ार के MRI हम कराए नहीं। अब मैं लापरवाही वर्ड क्यों मालवीय जी के लिए यूज़ करती फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ हम पहले दिखा देते तो आज हमें इतना भटकना नहीं पड़ता, इतना खर्चा सर्जरी का हमें वो नहीं होता। सर्जरी छोटी हो बड़ी हो बीइंग अ वाइफ मुझे डर लगता है। दोस्तों गीत पी रही है पानी नारियल का, देखो रचना ने पी लिया है। ओए चलो अंकल को पेमेंट करते हैं, गीत पी लो अच्छे से पी लो ना जल्दी नहीं। दोस्तों हमारी देवियों ने देखो चारों पेट देवी पीछे आ गई हमारी और नारियल पानी पिया है। गीत पेट फुल हो गया दीदी, आपने नहीं पिया नारियल पानी, पापा ने नहीं दिया इसको, दिया मैंने पिया ही नहीं पिया, उसका खींचना थोड़ी आता अभी इनको शख्स करना नहीं आता है इनको, पता कैमरा इनके पास आ गया नोज आ रही है घर से तो नाई नहीं करेंगे ऐसे आ गए तो उठ के हम भाग भाग के डॉक्टर के पास। चलो दोस्तों आज क्या है यार, एक रोड पे देख के नहीं चलना है, ये लो माँ शिवरात्रि की रैली है क्या, पता नहीं कौन सा गुरुजी आए हैं यार। अरे रचना क्यों टेंशन ले रही है, MRI बोला है ना उसमें क्या चिंता की बात है यार, क्योंकि हर बात पे इतनी छोटी छोटी बात। बढ़िया फिर तो अब ये हो गया ना, अभी तक USG के बेस पे होता तो अब जब अकेले ही कोई हेल्प करने नहीं आ रहा अपना, है ना, ये तो क्लियर हो गया, तो अपन आज ही करा लेते टेंशन खत्म होती, क्योंकि खुद ही करना है। अब बात है कि अब MRI पे बात आ गई तो MRI के लिए वेट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल देखना पड़ेगा कैसे क्या पैसे सब चीजों का देखना पड़ेगा ना, और जब तक होगा नहीं मालवीय जी को और सर्जरी होके जब घर नहीं आ जाते वो जब उसके तक, बाद भी तो पट्टी होती नहीं वो तो ठीक है तो जब तक ये नहीं हो पाता मुझे तो टेंशन रहेगी भैया, मेरे को तो होती है, मुझ में तो इमोशंस है, मैं तो इसको कृपा ही मानती हूँ, इतने इमोशन तो होने ही चाहिए कम से कम, मुझे मेरा कर्मा है मुझे करना है। चलो अमित भूखी लगी, भूख लग रही क्या आपको दीदी, क्या कर रहा है, ये क्लिप लगाते निकाल लेते, क्लिप लगाते निकाल, दीदी आपने भी लगाई क्लिप, वाह भाई वाह, तीनों दीदी ने लगाई है आज तो भैया चलो आगे बढ़ते हैं, आज के काम को आगे बढ़ाते हैं। आप खिला दो, खिला देता हूँ, बना दो मैं खिला देता हूँ। हाँ बन जाता है तो भैया रुक जा रुक जा रुक जा, मोबाइल में नहीं जाना है, वीडियो बन रहा है वहाँ पे। मत जा मोबाइल के पास, मत जा रीत रीत को। अरे भैया तुम लोग तो बड़े गंदे अच्छे हो यार। तो फ्रेंड भैया एक फ्रेंड्स एक मोटिव होता है तो बड़ा मजा आता है, तो जैसे कि मैं ओवरनाइट ओट्स भी खा रही हूँ और बीच बीच में खाती हूँ, तो अभी तो ओवरनाइट नहीं 1-2 घंटे बाद खाऊंगी, तो ये मैं फ्रिज में ओट्स मैंने बॉइल कर रही हूँ हल्का सा मैं दूध में और पानी में, और इस ग्लास में चिया सीड फ्लैक्स सीड्स डेट्स और एलमंड डाल के इसमें मैं मिक्स करूंगी, अभी दिखाती हूँ, फिर 2 घंटे फ्रिज में रख के फिर खाती हूँ मैं। ये दोनों यहाँ हैं और मम्मी किचन में काम कर रही है, देखो दीदी आप गिरोगी ना तो बहुत रोगी फिर। कौन सी अच्छी आंटी आई है? चलो भाई रचना एक गुड न्यूज तो है आपको चलो देखो कितने दिन कैसा चलता है। दोस्तों ये फ्यूचर का मनोज है, तो जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था मुझे लगा कि काफी चीजें इन्फॉर्मेशन छूट गई हैं, क्या आपको बताना था, क्योंकि कब वीडियो बन नहीं पाए हैं। जब हम सेकेंड ओपिनियन लेकर आए घर आके आए तो दोनों ने बहुत डिस्कस किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मेरा बहुत जिगरी दोस्त भी नहीं है कि जो चला जाए, क्योंकि मैं खुद भोपाल से हूँ, यहाँ तो हमको 4-5 साल हुए हैं, सब ऑफिस वाले हैं, ऑफिस से छुट्टी लेके तो कोई नहीं आएगा। फिर वो हुआ कि भोपाल में कराए, ये सब मंथन हुआ, कल आपको पता चलेगा, कल MRI कराएंगे और कल ही शायद ऑपरेशन हो जाए, है ना। तो अभी तो हमने यही डिसीजन लिया कि इंदौर में होंगे, तो कल का वीडियो में आप देखेंगे MRI और फिर उसके बाद ऑपरेशन। ये था आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बीमारी क्या हुई, बीमारी हुई है जो एनल के पास एब्सेस जमा हो रहा है, 2 जगह पे हो रहा है, 5 ml है और एक जगह 4.5 ml है, वो भी है।
तो MRI इसलिए कहा डॉक्टर ने क्योंकि जो पतली नसें भी होती हैं वो सोनोग्राफी में नहीं दिखती है, MRI में दिख जाती है। तो MRI करा लो, अगर कोई नस कनेक्शन होगा, इंटरकनेक्शन होगा तो वो दिख जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है कई लोगों को बार बार होती है, भले एक बार ऑपरेशन हो जाता फिर होता है क्योंकि वो नसें को सही नहीं करते, जो भी डॉक्टर ने ऐसा कहा है। तो कहना है कि थोड़ा पैसा लगेगा, MRI एक बार करा लो, तो एक ही बार ऑपरेशन कराएंगे। तो भाई हम उनको सजेशन को मानते हैं और कल MRI कराते हैं, और कल ही उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ में एडमिट हो जाना। हाँ, तो देखते हैं कल क्या होता है, अपना ध्यान रखेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थोड़ी बहुत प्रेयर करें, यार पता नहीं क्या चल रहा है हमारे साथ, है ना। जय माता दी। दोस्तों एंजाइटी शुरू हो गई, उसे घबराहट कह लो, बटरफ्लाई कह लो, क्या कह लो, हो तो रही है। कोई बात करने वाला थे भाई साहब, अभी आए।